मेरी पहली YouTube की कमाई आ चुकी है। मैं और पापा, छोटा भाई बाहर है क्योंकि सामान बहुत ज्यादा यानी कि इधर उधर झोल खा रहा था। भाई इसको चलाने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही लेवल का है। ये ली थी मैंने 22,000 रुपीज की और इसको ना चलाया नहीं हमने ज्यादा। पापा आइए लो घड़ी। ओके पापा बाय बाय। अपने गाड़ी साफ करने के बाद एकदम शाइनिंग कर रही है। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक नायाब चीज। तो गणपति पापा को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। भाई क्या ऑसम लग रहे हैं ना, पूरा डैशबोर्ड ब्लैक है और उसके ऊपर गणपति पापा व्हाइट और गोल्डन में। अब देखो भाई क्या फील आ रहा है। ओ ऑसम, पापा की गाड़ी में गणपति पापा होना बहुत जरूरी है। वैसे ऐसे लगेंगे ये। अर्जित से लेके आया था जहाँ से अन्य का टॉयज लेके आया था। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू रैम्बलिंग बाउंड्री। सुबह के बजे हुए 9:30 और हम निकल रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ। रियो में एक स्पेस था बना हुआ जैसे डाउन सा, एक पाइप लाइन सी बनी हुई है, मैंने वहाँ पे जाकर के फिट किया और देखने में बहुत प्यारे से लग रहे हैं। रखने को मैं यहाँ पे ऊपर भी रख सकता था बट वो कुछ अजीब से लगने थे। बट वहाँ पे ना ऐसे लग रहे हैं कि भगवान जो है नीचे नदी में से ऊपर निकल रहे हैं। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ पापा के पास। पापा की एक टोपी और वॉच ये रह गई थी यहाँ पे। फोर्स वाले उन्होंने ये बोला कि आपको जो है हम आउट पास नहीं देंगे, मतलब पापा को 4 से 5 दिनों तक वहीं पे रहना पड़ेगा अपनी यूनिट पे। पापा को मैंने बोला था 9:40 में वहाँ पहुँच जाऊंगा एग्जैक्ट। और मैंने गाड़ी को सुबह सुबह फिर से धोया और भाई मौसम इतना बेईमान है ना, तो मौसम ने दे दिया धोखा। भाई मैंने कल गाड़ी को धुलवाया नहीं अच्छे तरीके से, बारिश भी हुई नहीं। देखा भाई ये पोपट हो जाता है आपके साथ कभी भी, मतलब आपका वेदर फोरकास्ट है उस पर कभी भी विश्वास ना करें। तो भाई आज यहाँ पे मुझे लगता है कुछ स्पेशल ओकेजन है और कितने प्यारे सजे हुए ना घोड़े वगैरह। पापा ना वहाँ से बोलते गेट से मेरा वेट कर रहे होंगे, बोलते मैं वहीं पे खड़ा रहूँगा। अभी 9:37 हो गए, मैंने 9:40 का टाइम दिया था, मैं एग्जैक्ट उसी टाइमिंग में यहाँ पे पहुँच चुका। पापा आइए लो घड़ी। ओके पापा बाय बाय। तो भाई यहाँ पे ना ज्यादा देर रुकने नहीं दिया जाता, आज कोई आ रहा होगा अदरवाइज यहाँ पे कोई ऐसे नहीं रोक। बोलते हैं ना कि फोर्स की ड्यूटी बहुत आसान होती है, हमें सरकारी जॉब चाहिए। भाई सबसे खतरनाक है फोर्स की ड्यूटी, सरकारी जॉब। प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि फोन आपके साथ ही रहते हैं, भाई सरकारी ड्यूटी में क्या रहता है ना कि आपके फोन भी आपके पास नहीं रहते, नहीं तो भाई आपके ऊपर ना वारंटी निकल जाता है। मतलब भाई इसमें लगा स्नॉर्कल और देखने में क्या हंटर लुक लग रही है ना ये, सीरियसली भाई ऑसम वाली फीलिंग है। भाई एक ऑफ रोडिंग व्हीकल तो मैंने भी लेना है इन फ्यूचर, बोलता ही हूँ मैं लेता तो हूँ नहीं भाई। 6:12 और एक सरप्राइज आपको दिखाऊं बाहर क्या है। भाई वैसे ही गर्मी है जैसे सुबह थी। आज एक और खुशखबरी है भाई, आज हमारी जो YouTube की फर्स्ट पेमेंट है ना वो भी आ चुकी है और वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कि हमारी YouTube फर्स्ट पेमेंट जो है कितनी आई है और कितना पैसा हमें मिला है पहले YouTube और फर्स्ट YouTube पेमेंट का। तो भाई सबको देखो प्राउड फील तो होता ही है, जितना मजा सैलरी अकाउंट में नहीं आता जितना मजा मुझे आज मेरा जो यूट्यूब पेमेंट है मतलब मेरे अकाउंट में आई है। तो भाई उसकी तो भाई सीरियसली बात बताऊँ आपको अमेजिंग फीलिंग थी। और मैं तो जब अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई ना तो भाई मेरा तो समझ लो आपकी क्या हाल था कि भाई मेरी पहली YouTube की कमाई आ चुकी है। जी हाँ, तो वो फीलिंग ये गजब की थी। टाइम है 7:19। अन्य को इस टाइम क्या होता है ना घर आते ही इसको गेड़ी चाहिए भाई घूमना, जब गियर गियर डालता है। और पापा को भी अभी थोड़ी देर के लिए छुट्टी मिली तो पापा 2-3 घंटों के लिए यहाँ पे आए। देखी देखी अभी इसको ना गेड़ी चाहिए, मम्मी भी साथ में जाएंगे। चलो चलो बताओ, जब भी आते है ना घर तो इसको ना एक बार ऐसे गाड़ी में घुमा दो। भाई जिस चीज़ का इंतज़ार हम कल से कर रहे हैं ना और कल से जिस चीज़ के पीछे मैंने अपनी गाड़ी भी नहीं दिलवाई, आज वो चीज़ आ चुकी है। अगर आप बाहर देख पा रहे हो ना भाई तो तूफान आया हो बहुत तगड़े वाला, बारिश आने वाली भाई थोड़ी देर में मुझे लग रहा है। अच्छा कि हमने कल गाड़ी दिलवाई नहीं, तो मैं सवेरे से रिग्रेट कर रहा था कि भाई हमने गाड़ी क्यों नहीं दिलवाई पूरी। पापा के लिए रोड एक्सप्लोर कर रहे हैं कि शॉर्टकट कहाँ से होएगा क्योंकि गलियाँ बहुत ज़्यादा है। तो ये है कि पापा रात को कभी भी ड्यूटी से आए तो शॉर्टकट तरीके से अपना गलियों से घुस के घर पे पहुँच जाएँ जल्दी से, क्योंकि बाहर वाला एरिया क्या है ना वहाँ से थोड़े से खड्डे वगैरह हैं और कीचड़ बहुत ज़्यादा है। भाई लाइव दिख रही है मुझे तो तगड़े वाली, देखो धूल ही धूल है भाई, ओ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा आगे कैमरे में दिख रहा होगा भाई इतनी ज़्यादा मिट्टी धूल। गर्मी खिड़की अगर खुली होगी ना तो लास्ट टाइम की तरह ना पूरा अंदर मिट्टी मिट्टी भर जाएगी, बिजली कड़क रही है। मस्त मौसम हो गया भाई, यही तो मौसम चाहिए था। ओ देखी हाँ हाँ हाँ, नहीं तो पूरी आंखें भर जाएंगी। हेलमेट तो पहनना नहीं है लोगों ने।
फाइनली भाई ये था छोटे का रूम, इसको भी चला करके लेके आया हूँ मैं। ये है विजेंद्र भाई का अमूल वाला टेम्पो, इसको चलाना भाई बहुत टफ था। फिलहाल इसकी कर रहे हैं पैकिंग और रूम हो चुका पूरा खाली। जी मैं और पापा, छोटा भाई बाहर है क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा यानी कि इधर उधर झोल खा रहा था। फिलहाल भाई इसको चलाने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही लेवल का है। यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी हुई है, फिलहाल चला रहे हैं क्योंकि भाई पीछे जो सामान है ना बहुत ज़्यादा है। आपको दिखाता हूँ उतर करके क्या सामान इसमें हमने भर के रखा हुआ है। पापा का कैसी फीलिंग है बैठने की? बढ़िया लग रहा है। ये कहाँ गिर गया था भाई? सामान गिरता हुआ जा रहा है। पापा अब गाड़ी में बैठ के कैसा फील हो रहा है ऑटो के बाद? सारा दिन तो हो गया आज भरी धूप में। और क्या, अभी टाइम देखो ना, टाइम बताता हूँ आपको भाई, 2:35 हो गए। 2:35? हाँ 2:35 हो गए। अच्छा, हमें कंटिन्यू काम कर रहे थे। अभी जस्ट हमारा जो फाइनल क्लोजिंग थी, हमने अपनी साइकिल ले ली यहाँ से, उस साइकिल को रखे 1.5 साल हो गया भाई। आपको दिखाते हैं मेरे पास कौन सी साइकिल है। स्टेयरिंग गाड़ी का इतना गर्म है ना, पकड़ना मुश्किल हो रखा है। अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो भाई हालत ऐसी है जबरदस्त वाली। सवेरे से नहाए धोए कुछ नहीं है, शिफ्टिंग का काम चला भाई 2 हफ्तों से। भाई हम शिफ्टिंग ही कर रहे हैं अपनी। सामान बहुत ज़्यादा था भाई, 3 घरों का सामान एक जगह आ करके अभी फिट हुआ है। क्यों पापा? अब कल से पापा ने करनी है ड्यूटी ज्वाइन। तो फाइनली ये है अपनी क्रॉस की इम्पेल, ये ली थी मैंने 22,000 रुपीज़ की। और इसको ना चलाया नहीं हमने ज़्यादा, ये बेचारी अंदर ही अंदर थी। आज निकली वहाँ से भी बेसमेंट से, इतना कबाड़ फैला हुआ यहाँ पे, पूरी सफाई करनी है हमने। और ये रही भाई अपनी रंग, इसको धो धा करके हमने यहाँ पे अच्छे से रखा हुआ है। और एक ये रही भाई, इसको धुलवाना है। कचरा देख रहे हो आप, क्या मस्त कचरा है। तो इसको ऊपर से साफ कर दिया, बस दैट्स इट। इसके मैट मैंने धुलवा दिए थे, वो रखे सुखाने के लिए, क्योंकि बारिश आएगी ना फिर से गाड़ी गंदी होनी है। तो मैंने बोला भाई मोटा मोटा साफ कर दो इसको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल भाई अपनी शिफ्टिंग हो चुकी है प्रॉपर कंप्लीट, अब थोड़ी टेंशन वाली बात खत्म हो चुकी है। निकलना है भाई अभी लॉन्ग ड्राइव के लिए। तो लॉन्ग ड्राइव कहाँ के लिए निकलूंगा वो मैं आपको जल्दी अपडेट करूंगा। और भाई क्योंकि ब्लॉग जो मेरे डिले हो रहे थे ना, वो इसी वजह से हो रहे थे क्योंकि भाई शिफ्टिंग के दौरान क्या रहता है ना कि आपका जो सामान इधर उधर बिखरा रहता है, टाइम मिलता नहीं है, और आपको सेटिंग भी करनी होती है, ऑफिस भी जाना होता है, वीडियो एडिट भी करनी होती है। तो सारे के सारे ना चीजें एक साथ चली हुई थी। इसके बाद तो देखते हैं भाई, रेगुलर हम कोशिश करेंगे अपने ब्लॉग डालने की। भाई रेगुलर ब्लॉग डालने के लिए वैसे बहुत मेहनत चाहिए होती है भाई, क्योंकि भाई हम तो हैं ऑफिस वाले बंदे, ऑफिस से शाम को 6 से 7 बजे घर पहुंचते हैं, उसके बाद और भी काम होते हैं। अन्य जो मेन काम है, अन्य काम करने नहीं देती है। आपको आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा है तो भाई जरूर कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ आज की वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग रैम्बलिंग बाउंड्रीज। जय हिंद।